प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर संगम। जी हाँ, वॉइस चॉइस। रात्रि के 8 बज चुके हैं, हम आ गए हैं आपके पास आपके साथ लेकर के तरानों की सौगात। और ये सौगात भाई पसंद हम बताने वाले बिल्कुल भी नहीं है। हम नहीं बताएंगे आज, ना आपका नाम बोलेंगे, ना स्थान बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। कुछ भी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ तो बोलेंगे, मतलब कि आपकी फरमाइश से संबंधित नहीं बोलेंगे कुछ भी। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन। सुनते रहिए लगातार बारंबार रेडियो धड़कन। साथियों, फिल्मी सितारे जो कल आपने कार्यक्रम सुना था, उसके लिए पर्सनल पर भी हमें बहुत सारे संदेश आपके प्राप्त हुए कि आपको ये कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया। और विशेषकर उन साथियों ने भी वो संदेश भेजे जिन्होंने अपनी पसंद नहीं भेजी थी, भेज नहीं पाए थे, और उन्होंने भी सुना और कहा कि हमें पसंद की आवश्यकता ही नहीं, सारे के सारे गाने हमारी पसंद के थे और ऐसा लग रहा था बस हमारा नाम क्या, हम खुद ब खुद शामिल हैं। तो बहुत अच्छा जज्बा साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम स्वर संगम। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल, नमस्कार। चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सुनवाते हैं पहली वॉइस चॉइस। किन की आवाज है, कौन से रंग का गीत लेकर के आए हैं ये हम सब के लिए, सुनिए ये आवाज। नीता अग्रवाल जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ललित सर को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और सभी धड़कन सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ग्राम बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा बात कर रहा हूँ। आज बड़े गर्व का विषय है हमारे लिए कि आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब BSF का आज स्थापना दिवस के पावन अवसर पर आज मैं देशभक्ति गीत धड़कन रेडियो के माध्यम से सुनना चाहूंगा। फिल्म LOC कारगिल और खूबसूरत आवाज के साथ अलका याग्निक ने इस गीत को गाया है, सीमाएं बुलाएं। इस तरह का गीत मैं डेडिकेट करना चाहूंगा तमाम हमारे सीमा पे डटे प्रहरियों के लिए जो दिन रात सर्दी गर्मी धूप बरसात में रहकर हमारे देश की और हमारे आम जनता की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले वीर सपूतों को मैं यह गीत भेंट करना चाहूंगा। और तमाम BSF के जवानों को मेरे तरफ से नमन है, उनको उनकी बहादुरी के लिए नमस्कार। सभी धड़कन परिवार को एक बार पुनः BSF स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। Da 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 da
बिल्कुल सही बात, जब अपने पास नहीं होते तो होली के रंग, दिवाली की रंग तरंग हमें पता ही नहीं चलती। बिल्कुल, और वीर सैनिकों को नमन करते हैं हम सभी। आज एक विशेष दिवस BSF डे, हमने सुना ये विशेष गीत। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और फरमाइश पूरी करते हैं हमारे इन साथी की। सुनिए ये आवाज। रेडियो धड़कन परिवार के मुख्य आरजे बहन नीता अग्रवाल जी व ललित सर जी तथा समस्त धड़कन परिवार के सदस्यों को राधे श्याम शर्मा, गांव हंडीखेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज के स्वर संगम कार्यक्रम में मुझे मेरी पसंद का खूबसूरत सॉन्ग सुनाने की कृपा करें और मुझे उम्मीद है कि ये सॉन्ग हमारे धड़कन परिवार के सभी बहनों और भाइयों को अवश्य पसंद आएगा। सॉन्ग है फिल्म चुपके चुपके का, जिसको आवाज दी है अलका याग्निक और बाबुल सुपुरियो ने, और सलमान खान और रानी मुखर्जी ने इस सॉन्ग को फिल्माया है। सॉन्ग के बोल हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके रग रग में इस तरह तू समाने लगी। तो मुझे उम्मीद है ये सभी को पसंद आएगा। धन्यवाद। रग रग में इस तरह तू समाने लगा, रग रग में इस तरह तू समाने लगा, जैसे मुझको मुझसे चुराने लगा। चोरी चोरी चुपके चुपके, इसके बाद सुनते हैं अब ये आवाज। चोरी चोरी चुपके नहीं, सबके सामने। नमस्कार जी, सभी धड़कन के परिवार को मेरा नमस्कार। आज मुझे एक गाना सुनना है, फिल्म का नाम है गुमराह। गाने के बोल हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों,
चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वर संगम यानी वॉइस चॉइस। जो रिकॉर्डिंग्स आपने भेजी हैं अपनी, वो प्रसारित की जा रही है और आपके गीत प्रसारित किए जा रहे हैं। आपकी आवाज और गीतों से संगम करा रहे हम यानी रेडियो धड़कन। और आप कार्यक्रम का अगला गीत बिल्कुल रेडी है और लेकिन पसंद किन की है? जी हाँ, आवाज सुनिए। नीता जी नमस्कार, मैं कानपुर से हरविंदर भाटिया बोल रही हूँ। आज स्वर संगम प्रोग्राम के माध्यम से फिल्म आदमी और इंसान का गीत, जिसके बोल हैं जिंदगी के रंग कही रे साथी रे, धड़कन परिवार को सुनवाना चाहती हूँ। धन्यवाद। जिंदगी के रंग कही रे साथी रे, जिंदगी के रंग कही रे, जिंदगी के रंग कही रे साथी रे, जिंदगी के रंग कही रे। जिंदगी दिलों को कभी जोड़ती भी है, जिंदगी दिलों को कभी कभी तोड़ती भी है, जिंदगी के रंग कही रे साथी रे, जिंदगी के रंग कही रे। जिंदगी की राह में खुशी के फूल भी, जिंदगी की राह में गमों की धूल भी, जिंदगी की राह में गमों की धूल भी, जिंदगी के रंग कही रे साथी रे, जिंदगी के रंग कही रे।
कदम पे तेरा मेरा इम्तिहान है, जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई रे, जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई रे। वाकई ज़िंदगी अपने आप में बहुत सारे रंग समेटे हुए होती है, हर तरह के रंग इसमें शामिल होते हैं। बहुत ही यथार्थ सच दिखाता गीत और साथ ही एक प्रेरणा देती भी कि भाई खराब रंगों से बिल्कुल नहीं घबराना है और बस आगे ही आगे बढ़ते जाना है, धैर्य रखना है, हिम्मत रखनी है और अपनी मेहनत लगन से हमें जीवन में आगे बढ़ते जाना है। कभी भी हतोत्साहित निराश नहीं होना और होकर के भी गिर के उठ जाना है और फिर चलना है। और हम भी चल पड़ते हैं अगले गीत की तरफ। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हूँ माँ सिंह और मेरी पत्नी महेश्वरी देवी जी की, ललित जी और नीता मैडम को नमस्कार, और कुछ मेरे साथी हैं जावेद हवारी जी, इनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार कहना। इन्होंने मेरा काम हल्का कर दिया, हर दिन मेरे को अपने ग्रुप में जोड़ देते हैं। मोहम्मद असलम जी हैं, राधा नामदेव जी हैं, रश्मि झरना मैडम हैं, श्यामा अहमद मैडम जी हैं, इन सबको मेरी नमस्कार कह देना। सुरेश चौरसिया जी हैं, उनको भी मेरी नमस्कार भेज देना। और आज मुझे गाना सुनना और सुनवाना है, पंडित जी तेरे मरने के बाद न जल बुरा न कर्म बुरा, ये गाना है रोटी कपड़ा और मकान का मैडम जी। और आप दोनों को क्या बोलूं मैं, आपका कार्यक्रम इतना मजेदार चल रहा है कि दिल करता सुनता ही जाऊं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मस्त रहो स्वस्थ रहो, नमस्कार। मैं ना भूलूंगा। उमा जी, ये गीत जो आपने बताया हमारे म्यूजिक बैंक में नहीं है, अतः आपको इसी फिल्म का दूसरा गीत सुनवा रहे हैं। उम्मीद है आप और आप सभी को पसंद आएगा। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा।
साथियों कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनवाती हैं ये वॉइस चॉइस। प्यारी सी नमस्ते कूल कूल दीदी नीता दीदी, सुरीली धड़कन दिल की धड़कन बढ़ाने का काम करती है। हम चाहे कितने भी तनाव में हो, हमें तनाव मुक्त करने का काम रेडियो धड़कन करता है। आपकी सुरीली आवाज और घुल मिलकर बात करना हमारे आंखों के सामने चमक लेकर आती है, जिससे हमें सब तरफ सकारात्मक ही दिखता है। मानो हम इस दुनिया में होके हम इस दुनिया को ही भूल जाते हैं और एक मनोरंजक दुनिया में शामिल होते हैं हम। हमें सब कुछ मिल गया ऐसा लगता है। लगता क्या, रेडियो धड़कन के माध्यम से वो मिल भी जाता है। दीदी हमें एक गीत पसंद है, उस फिल्म का नाम है धनवान। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। हम है राजमाता नगर बुल्ढाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े और हमारे साथ है ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार। धन्यवाद दीदी। अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो, तुम अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो। मुसाफिर इनमें घिर कर अपना रास्ता भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। दम मुस्कुराते हैं तुम्हारे नरमो नाजुक होंठ जिस दम मुस्कुराते हैं। बहारें झेपती है फूल खिलना भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। वाकई कई बार इतनी प्यारी आँखें होती हैं किसी की कि सब कुछ भूल ही जाता है इंसान, जैसे कि ये भूल गए सब कुछ। दिल की बातें बता जाती हैं आँखें, दिल की बातें बता जाती हैं आँखें, धड़कनों को जगा जाती हैं आँखें। दिल पे चलता नहीं जादू चेहरे का कभी, दिल को तो दीवाना बना जाती हैं आँखें। और अब बढ़ते हैं अगली चॉइस की तरफ। सुनिए ये आवाज, कौन सा गीत, कौन से रंग का गीत ये लेकर के आए हैं, आइए सुनते हैं। नीता मैम जी नमस्कार, मैं राम गोपाल मौर्या बरेली से बोल रहा हूँ और आज प्रोग्राम स्वर संगम के माध्यम से एक गाना सुनना चाहता हूँ जो कि फिल्म है कसम और गीत की बोल है तेरी डपली मेरी पायल, बजते हैं एक साथ। तो मैम ये सुनवा दीजिए और इन्हें मैं इस फरमाइश में कुछ अपने
शामिल करना चाहता हूँ लोग कि मेरी फैमिली से और मेरे मित्र लोग दोनों हैं, तो मेरी फैमिली रिलेटेड हैं। मैं रामगोपाल मौर्य, सुनीता मौर्य, कृष्णा मौर्य, पायल मौर्य और मानसी मौर्य, और हमारे रेडियो मित्र हैं नवीन सिंह जी, शेख इस्माइल जी और जो भी रेडियो श्रोता मित्र हैं, सभी को सुनवा दीजिएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामगोपाल मौर्य बरेली से। सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वर संगम, यानी वॉइस चॉइस। देखते हैं अब अगली आवाज किन की है, कौन सा गीत सुनना सुनवाना चाहते हैं हमारे ये साथी। नमस्कार नीता मैम, बुलबुल जैसी नीता मैम और ललित सर आपको भी वेलकम है। और आज जो सुर संगम में जो मैं सॉन्ग सुनवाना चाह रही हूँ वो बरखा मूवी है। एक बहुत खूबसूरत ट्रैक है, वो मैं ट्रैक आपके और रीटा मैम के नाम करना चाह रही हूँ। वैसे तो सबके नाम है लेकिन आप दो के खास तौर पर ये जाता है। वो बरखा मूवी का एक सॉन्ग है, तू इतनी खूबसूरत है, तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, कुछ ऐसा है। तो इफ पॉसिबल आप भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा, जरा सा प्यार तो दे दे, पलक कदमों पे आ चुके हसीन लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे, तेरे बिना जीना पड़े
वो पल मुझे ना दे। तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे। बहुत ही सुंदर गीत, ये गीत वाकई बहुत ही अच्छा है, बहुत कम हमने सुना है और आज साइमा जी के सौजन्य से हमने ये गीत सुना, बहुत ही सुंदर गीत। कार्यक्रम में बढ़ती हैं आगे और सुनवाती हैं आपको ये आवाज। धड़कन के तमाम श्रोताओं के दिल धड़काने वाली आदरणीय नीता मैडम को पटेल परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज 1 दिसंबर है और आज ही के दिन गायक उदित नारायण जी का जन्म बिहार में हुआ था। सर्वप्रथम मैं इन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए इन्हीं के द्वारा गाया हुआ गीत फिल्म नसीब का गीत जिसके बोल हैं चांद सितारे बिंदिया तुम्हारी पूनम की रात है, इस गीत को मैं सुनना चाहता हूँ। कृपया अवश्य सुनवाने की कृपा प्रदान करें। हम हैं कुमार रामदेव पटेल बहादुरपुर बरियारपुर जिला मुंगेर बिहार से। अंत में आप तमाम श्रोताओं के साथ साथ आपको मैं नमस्कार करूँगा। सितारे बिंदिया तुम्हारी पूनम की तुम रात हो, सुल्फे तुम्हारी काली घटा तुम सावन की बरसात हो, बाघों में कलियां कलियों में खुशबू खुशबू की तुम बात हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो, तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। तेरे लबों को मैं चूम लूं, सुबह शाम रात दिन मांगती हूँ ये दुआ, कहीं किसी मोड़ पे कभी हो ना हम जुदा, ऐसी मुलाकात हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ।
यहाँ हम सभी एक साथ हैं, बिल्कुल एक साथ हैं। और अब सुनते हैं ये आवाज़ की कौन सा गीत ये सुनना चाहते हैं? आदरणीय दीदी नीता अग्रवाल जी, आपको और रेडियो धड़कन सुनने वाले हमारे सभी साथियों को ग्राम कोलासर तालुका नांदूरा जिला बुल्ढाराम महाराष्ट्र से प्रमोद बघाड़े की तरफ से सप्रेम नमस्कार। आज बॉलीवुड जगत के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक उदित नारायण जी का जन्मदिन है, उन्हें उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के स्वर संगम इस प्रोग्राम में आप हमें उदित नारायण जी का फिल्म लाडला का उनके ही युगल स्वरों में यह गीत सुनाने का कष्ट करें। गीत के बोल है, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में फला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। हमारे साथ साथ सभी साथियों को यह गीत सुनवाने का अनुरोध है, धन्यवाद। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला। शायद इन साथी ने नाम नहीं बताया, ऐसा लगा मुझे, बता देती हूँ, ग्राम कोलासर तालुका नादुरा से ये साथी हैं प्रमोद बघाड़े। के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, रखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी, मैं तो तेरे सपनों। वाकई माँ का अहम स्थान होता है हम सभी की ज़िंदगी में। माँ तो माँ होती है, माँ जैसी कोई नहीं, इस जैसा कोई रिश्ता नहीं, पाक पावन पवित्र। और माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा सब कुछ करने को तैयार रहती है, और वहीं बच्चे भी बिल्कुल। और इसी तरह से बस चलता रहे यूं ही ये सब, हम भी आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको ये आवाज़। आदरणीय ललित जी, नीता जी और रीता दीदी, वे रेडियो धड़कन परिवार को मेरी यानी विजेंद्र कुमार जेजान की ओर से प्यार भरा नमस्कार। नीता जी, मैं आज एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनना चाहूंगा, फिल्म का नाम है गेटवे ऑफ इंडिया और गीत के बोल है, दो घड़ी वो जो पासियां बैठे, दो घड़ी वो जो पासियां बैठे, हम जमाने से दूर जा बैठे, हम जमाने से दूर जा बैठे, दो घड़ी वो जो पासियां बैठे। और इस गीत को मेरे साथ सुनना चाहते हैं, वार्ड नंबर 6 भोला कॉलोनी गरुंडा जिला करनाल से श्रीमती कांतरानी, गुंजन, साहिल और वाणिज्य जान, वे मेरे साथी रवि कुमार राहुल, ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और अनिल कटारिया, वे संपूर्ण रेडियो धड़कन परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, पास आ बैठे। भूल की उनका हम नशी होके, रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। भूल की उनका हम नशी होके, रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। हाय क्या चीज थी लुटा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। गुसार अपना मेहरबान खास राजदार अपना, एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राजदार अपना। गैर का क्यों उसे बना बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। बहुत ही मधुर ओल्ड गोल्ड नगमा अभी हमने ये सुना, बहुत ही प्यारा गीत था साथियों। आइए अब आपको सुनाते हैं एक और बहुत ही प्यारा गीत। गीत कौन सा है ये तो भाई हम नहीं बताने वाले, हमारे साथी ही बताएंगे कि भाई कौन सा गीत आज या कौन से रंग का गीत ये लेकर के आए हैं इस कार्यक्रम में। तो सुनते हैं ये आवाज। हेलो नीता दीदी नमस्कार, स्वर संगम में आज ये गीत सुनना है। वैसे आज उदित नारायण झा जी का जन्मदिन है, पहले तो उनको जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं उनको बधाई देता हूँ और उन्हीं का गाया हुआ एक गीत सुनवा दीजिएगा। फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का, जिसे गाने का बोल है। क्या करते थे साजना तू हमसे दूर रह के, अक्षर दुआओं में खुदा से तुमको ही मांगा करते थे। दीदी इसी गीत को सुनवा दीजिएगा, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लाला टोली रोड डुमाओं से शैलेंद्र कुमार चौधरी, नीता चौधरी, विकास कुमार, नेहा कुमारी,
पिंटू यादव इसके दीवाना, और साथ में है सोलवी हवारी जी, रीता गुप्ता जी, नवीन सिंह जी, अजीत भाटिया जी, जयमंत्री केवर जी, रश्मि झरना जी, अभिषेकता जी, राम गोपाल मौर्या जी, और जितने धड़कन रेडियो सुन रहे सभी साथियों को सुना दीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय। हमारी कोई मजबूरी नहीं है और हम सुनवाते हैं आपको अगली वॉइस चॉइस। सुनिए ये आवाज। हेलो नीता जी, कैसी हैं आप? नमस्कार। ललित सर आप भी कैसे हैं बताइए, और ऑल रेडियो धड़कन के श्रोताओं को रश्मि का प्यार भरा सलाम। कैसे हैं सब श्रोताओं बताइए। हेलो नीता जी, मैं आज फिल्म बिन बादल बरसात 1963 की जो है, जो म्यूजिक हेमंत कुमार साहब ने दिया है और कलम का जादू शकील साहब का है, तो उनका एक सॉन्ग है लता जी का गाया, जो आशा पारेख जी पर फिल्म आया है, वो सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा मैं कोशिश करके सुनाऊंगी। स्वर संगम मैं चाहती हूँ कि मुझे ये मेरी चॉइस का सॉन्ग सुनाइए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखी कितनी खूबसूरत है जिंदगी, कितनी खूबसूरत है, आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। खूबसूरत है जिंदगी, कितनी खूबसूरत है, आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है।
कीजिए आरज़ू की दी आज रोशन कीजिए। वाकई जिंदगी खूबसूरत हो जाती है यदि हमारी राहों में यानी हमारे जीवन में अच्छे अच्छे साथी मिल जाते हैं। जिंदगी की खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि इस बात से है कि खूबसूरत जिंदगी से तो ये पता चलता है कि आपसे मिलकर कितने लोग खुश हुए आपको जानकर, और आपसे बात करके कितने दिलों को आपने खुशी पहुँचाई है, मुस्कुराहट दी है, तनाव मुक्त किया है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, और हम भी इसी बात पर विश्वास करते हैं। जी हाँ, रेडियो धड़कन मन मस्तिष्क की सुरीली खुराक है, रेडियो धड़कन। और अब कार्यक्रम का अगला नगमा, जिसके लिए पसंद नाना हम नहीं बताएंगे, आवाज सुनिए। आवाज की दुनिया के तमाम दोस्तों को नवीन सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आज स्वर संगम प्रोग्राम के माध्यम से मुझे बहुत ही कर्णप्रिय गीत फिल्म अनमोल घड़ी, जिसे आवाज से सजाई है नूरजहां ने और गाने की बोल है आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर बनाए, आजा आजा। ये गीत मैं आज सुनना चाहता हूँ और इस गीत के माध्यम से कुछ दोस्तों को भी सुनवाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं और मेरी पत्नी ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, राम गोपाल मौर्या, जय मंत्री केवट, नीता दीदी, रीता गुप्ता, कुलदीप जी, जयंती जी और जितने भी धड़कन परिवार के मित्र हैं, सभी के साथ मैं भी सुनना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे, आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। खुश्क हुए आँखों में आंसू, हाँ आँखों में आंसू, आए भी न थे खुश्क हुए आँखों में आंसू, हाँ आँखों में आंसू, निकले भी न थे लुट गए अरमान बेचारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। अंजामे मोहब्बत हमें मालूम है लेकिन, हमें मालूम है लेकिन, हमें मालूम है लेकिन, लेते हैं तेरे गम में उम्मीदों के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। था दिल को फकत तेरी मोहब्बत का सहारा, मोहब्बत का सहारा, था दिल को फकत तेरी मोहब्बत का सहारा, मोहब्बत का सहारा, हमने इसी उम्मीद पे दिन अपने गुजारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। आजा 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 मेरी
बर्बाद मोहब्बत के सहारे है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। वाकई बहुत ही ओल्ड गोल्ड प्यारा सा गीत हमने सुना, बहुत दिनों बाद आज ये गीत सुनने को मिला। हालांकि दुख भरा गीत है, लेकिन कहते हैं ना कि जो दुख से गीत निकलते हैं वो और भी ज़्यादा मधुर हो जाते हैं, सज जाते हैं। है सबसे मधुर वो गीत जिसे हम दर्द के सुर में गाते हैं, इसी तरह का गीत था। कहते भी ना, आज गीत नहीं बस इतना सुन लो, आज गीत नहीं बस इतना सुन लो, मैं तन्हा हूँ और वजह तुम हो, इसी तरह के बात जज्बात प्रकट करता ये प्यारा सा गीत था। और अब सुनते हैं इनकी आवाज़, कौन सा गीत लेकर के आए हैं ये। जी हम रामचंद्र कुमार मुखिया जी, नटा भैरवगंज पश्चिमी चंपारण बिहार से बोल रहे हैं। अब आज की दुनिया की सभी दोस्तों को रेडियो धड़कन संचालक महोदय नीता दीदी और ललित सर जी के साथ प्यार भरा सादर नमस्कार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई और बहनों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज का कार्यक्रम स्वर संगम में मैंने गाना चुना है फिल्म अलबेला, आवाज लता मंगेशकर और चितलकर साहब जी का, म्यूजिक डायरेक्टर सी रामचंद्र जी और गीतकार राजेंद्र कृष्ण, और गीत का बोल इस तरह का है। सामने खिड़की पहले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम सीटी बजाना छोड़ दो, घड़ी घड़ी खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो, सामने खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो, रोज रोज तुम मेरी गली में चक्कर क्यों हो काटते, आज चक्कर क्यों हो काटते, सच सच बात कहूँ मैं, सच सच बात कहूँ मैं, आजी तुम्हारे वास्ते जाओ जाओ होश में आओ, तुम हाना जाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। यही संग सुनवाने का कृपा करेंगे नीता दीदी, और इस गीत को हमने सुनवाना चाहूँगा हमारे गुरुपर जी रामबदन राव भैरवगंज जी, कपरधी का भैरवगंज पश्चिमी चंपारण बिहार से, और संगीत के बादशाह सोलवी हवारी जी आदापुर औरैया पूर्वी चंपारण बिहार से, और एस के पाटिल जी को और अब्दुल गफार जी को सुनवाना चाहूँगा इस गीत को। दीदी नमस्कार, प्रणाम, जय चंपारण। खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो, शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, अजी तुम्हारे वास्ते जाओ जाओ होश में आओ, यूं आना जाना छोड़ दो, यूं आना जाना छोड़ दो, शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना तीर चलाना छोड़ दो। मुझसे तुम्हें क्या मतलब है ये बात जरा बतला,
बात फकत इतनी सी है कि तुम मेरी हो जाओ, आओ आओ तुम मेरी हो जाओ। चलाना छोड़ दो, चार महीने मेहनत की है अजी रंग कभी तो लाएगी। और अब इस कार्यक्रम में आ गई है एक टोली अपना गीत लेकर के। जी हाँ, धड़कन मित्र की टोली आ गई है, तो सुनते हैं कौन सा गीत ये सुनवाना चाहते हैं आज। रेडियो धड़कन के हमारे सूत्रधार ललित जी एवं नीता जी के साथ सभी सुधी श्रोताओं को कवर कॉलोनी पड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली का प्यार भरा नमस्कार। आज स्वर संगम के कार्यक्रम में मैं फिल्म मेरी भाभी जो 1969 में रिलीज हुई है और गायक लता जी और मुकेश है और इस गीत में अभिनय में सुनील दत्त और वहीदा रमा ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है और गीत के बोल है, दिल में जी दिल में कोई रहता है कौन है बतलाओ, सपना है के अपना है ऐजी दिल में। इसी गीत को हमारे धड़कन मित्र ग्रुप के हमारे सभी सुधी श्रोता भी यही गीत सुनना चाहते हैं। मैं उनके नाम यहाँ उल्लेखित करना चाहूँगा, कुलदीप जी गुप्ता उधेली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, पंकज जी परमार गांव चेतर सुम्बा खेड़ा गुजरात से, लोकेंद्र वर्मा नाना खेड़ा बस स्टैंड महाकाल की नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश से, समीर जी मंसूरी धनिया हजरतपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, जीएमडी मुन्ना जी राउल केला उड़ीसा से, जयंती जी खसिया च सदन राजकोट गुजरात से, रियाज अहमद ग्रीन सिटी चिनार रोड लखनऊ से, आदरणीय हमारी बड़ी बहन एवं हमारी प्रेरणा स्रोत रीता जी गुप्ता रोहतक हरियाणा से, और हमारे भाई हुकुम जैन कटारिया सनावत मध्य प्रदेश से। इस सभी हम पूरा ग्रुप हम इस ये गीत सुनना चाहते हैं और यह गीत कारण का है कि मैं पुराने सदाबहार गीतों से जुड़ा हूँ और मुझे पुराने गीत बहुत अच्छे लगते हैं और बड़ा आनंद आता है, तो आप भी इस गीत का आनंद लें। धन्यवाद। नर्मदे हर जिंदगी भर। दिल में कोई रहता है कौन है बतलाओ, सपना है के अपना है एजी दिल में। दिल में कोई रहता है कौन है बतलाओ, सपना है के अपना है एजी दिल में। दिल में वही रहता है जो कोई अपना है और जीवन का सपना है इस दिल में। से ही मगर हैं क्यों बेचाने से, ये नैन हमसे ही
मगर हैं क्यों बेगाने से फासले पढ़ते हैं क्यों और करीबाने से क्यों और करीबाने से दूरी है जी दूरी बस इतनी है इतनी है फासला छाया था अपने तन से जितना है जी दिल में समझे हम समझे ये कहती हो तुम खड़ी शर्माओ और हमको मुंह तक ना है लोगी अधूरी सी इन बातों की लाज तो रख लोगी अधूरी सी इन बातों की तोड़ तो ना दोगी जंजीर मुलाकातों की जंजीर मुलाकातों की हाय रे मेरी मुश्किल तुम क्या जानो क्या जानो सामने दिल में जिस दिल में कोई रहता है जो कोई अपना है और जीवन का सपना है जिस दिल में हाँ जो कोई अपना है दिल का सपना है बहुत ही सुंदर गीत और आज ये गीत शायद बहुत दिनों बाद हमने सुना धड़कन मित्र टोली के सौजन्य से हमें ये गीत आज मिला तो चलिए आप सुनते हैं अगली पसंद कार्यक्रम सवर संगम आदरणीय दीदी जी आपको और धड़कन की पूरी टीम को हमारा नमस्कार जी आदाब आज हमारी फरमाइश फिल्म जौहर महमूद एंड गोवा में रहेगी जी और गीत के बोल है जी अखियों का नूर है तू अखियों से दूर है तू मैं ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से शुक्रिया जी मेहरबानी जी दिल में पयाम तेरा लब पे है नाम तेरा होके दीवाने तेरे प्यार में लो आए जी आए होके दीवाने तेरे प्यार में Bye.
जाने तेरे प्यार में लो आए जी आए होके दीवाने तेरे प्यार में कार्यक्रम में आगे बढ़ती हैं और सुनवाती हैं आपको ये वॉइस चॉइस। रेडी धड़कन हमारे दिल की धड़कन, रेडी धड़कन की आरजे आदरणीय नीता अग्रवाल जी और ललित सर जी को भी प्यार भरा आदाब नमस्कार। रेडी धड़कन पर आज है कार्यक्रम स्वर संगम और स्वर संगम में हम आज एक गीत सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम है आसपास और गीत इस तरह से है, शहर में चर्चा है ये दुनिया कहती है, शहर में चर्चा है ये दुनिया कहती है, गली में मेरी एक लड़की कुंवारी रहती है, कहीं तू वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं। ये गीत हम रेडियो धड़कन को सभी श्रोता दोस्तों को अपने दोस्तों को सुनवाना और सुनना चाहते हैं। धनोरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौसार सलमानी, देवी आलिया और बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तेरे लांग दा पिया लश्कारा तिहालिया ने हल डक ले शहर में चर्चा है, आहा शहर में चर्चा है ये दुनिया कहती है, शहर में चर्चा है ये दुनिया कहती है, गली में मेरी एक लड़की कंवारी रहती है, कहीं तू वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं। हाँ बोल शहर में चर्चा है, आहा शहर में चर्चा है, जमाना कहता है शहर में चर्चा है, जमाना कहता है, गली में मेरी एक मेरा दीवाना रहता है, कहीं तू वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो आसपास फिल्म का ये गाना भी आज बहुत दिनों बाद सुना, बहुत ही प्यारा गीत है। और कार्यक्रम में बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं कौन सा गीत आ रहा है। नीता जी नमस्कार, मैं कानपुर से अजीत भाटिया बोल रहा हूँ। आज स्वर संगम प्रोग्राम के माध्यम से फिल्म हमसाया का गीत जिसके बोल है तेरा शुक्रिया के तूने मुझे गले लगा लिया है, धड़कन परिवार को सुनवाना चाहता हूँ। धन्यवाद। दिल के टुकड़े चुन कर
मैंने दिल के टुकड़े चुन कर नया दिल बना लिया है, नया दिल बना लिया है। मुझे मेरा प्यार दे दे, मुझे मेरा प्यार दे दे, तुझे आजमा लिया है, तेरी वफा के आगे मैंने सर झुका लिया है। मुझे मेरा प्यार दे दे, जहाँ खाक उड़ रही थी, जहाँ खाक उड़ रही थी, वहीं घर सजा लिया है, वहीं घर सजा लिया है। मुझे मेरा प्यार दे दे, मुझे मेरा प्यार दे दे, तुझे आजमा लिया है, तेरी वफा के आगे मैंने सर झुका लिया है। मुझे मेरा प्यार दे दे। यहाँ पर कहना पड़ेगा कि इन्हें इनके हाल पर छोड़ देते हैं और हम बढ़ जाते हैं आगे, क्योंकि बहुत सारी वॉइस चॉइस हैं, व्हाट्सअप संदेश भी बहुत सारे हैं, लेकिन वॉइस चॉइस ही पूरी होती मुझे तो नज़र नहीं आ रही है, कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा मैं बिल्कुल भी ना के बराबर कुछ बोल रही हूँ। चलिए हंस तो सकते हैं। अगला गीत कौन सा आ रहा है, सुनवाते हैं आपको ये आवाज़। धड़कन रेडियो सुनने वाले सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्ते नीता मैडम जी, नमस्ते ललित सर जी। आज प्रोग्राम में मैं अपनापन फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल कुछ इस तरह है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। वो आदमी मुसाफिर है। मैडम जी ये गीत सुनाना चाहूँगा मैं मेरे मिसेस मंगला बोचे जी, विष्णु बोचे, संकेत बोचे, गोपी किशन जी, मेरे कुछ से दोस्त हैं अमोल मानकर जी, किशोर हिवराड़े जी, संतोष वसानी जी, अनिता काठोड़े जी, और इसी गीत के लिए इनकी भी फरमाइश है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आदमी मुसाफिर। जी हाँ, इनके पूरे नाम बता देते हैं क्योंकि हमें भी इन्होंने अलग से फरमाइश भेजी। अनीता गाठौड़े, रमेश गाठौड़े, लोकेश कुमार और परिवार के सभी सदस्य संत गाट के नगर बुल्ढाना से लिख रहे हैं। ये भी यही गीत सुनने के इच्छुक हैं। मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर है,
बिल्कुल अपने कर्मों अनुसार इंसान यादें छोड़ कर के जाता है, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए। बहुत ही संदेशात्मक प्रेरणादायक गीत, यदि हम संदेश लेना चाहें तो, कि इस दुनिया में हम एक मुसाफिर हैं और हमारे कर्म ही हमें किसी इंसान को किसी की याद दिलाएंगे। कार्यक्रम में बढ़ती हैं आगे और सुनवाती हैं ये वॉइस चॉइस। आदरणीय नीता जी एवं भैया ललित जी एवं रेडियो धड़कन के श्रोताओं को श्यामलाल साहब पलारी रोहासी छत्तीसगढ़ की ओर से सादर नमस्कार एवं जय जोहार। फिल्म हम साथ साथ हैं के गीत आप सबके बीच एवं कुछ दिनों के बाद विवाह का कार्यक्रम भी होगा तो बहू रानी के आने की खुशी में है यह गीत। सुनो जी दुल्हन एक बात सुनो जी, आइए इस गीत को सुनिए। नमस्कार। सुनो जी दुल्हन एक बात सुनो जी, अपने नए परिवार से मिलो जी, तुम्हें मिलाए सबसे आज, सुनो सुनाए सबके राज, तुम्हें मिलाए सबसे आज, सुनो सुनाए सबके राज। पहले दुल्हन तुम इनसे मिलो जी, घर के मुखिया तुम्हारे ससुर जी, जिनके सर पे सुखों का ताज, देखो जरा इनका अंदाज, जिनके सर पे सुखों का ताज, देखो जरा इनका अंदाज। रामपुर का बासी हूँ मैं, राम किशन है नाम, सीधी साधी बोली मेरी, सीधा साधा काम हो, जो भी चाहा मैंने हो, रब से वो पाया मैंने, ओ रामपुर का बासी हूँ मैं, राम किशन है नाम। देश विदेश घूम कर आया मैं भाई, ओ महक गांव की मिट्टी की ना बिसराई, वही गुड़ चना दूध नाश्ते में भाए, ओ छुरी और कांटे से खाना ना आए, इतने पर भी ओ, इतने पर भी है नई टेक्निकों को प्यार से सीखा मैंने, रामपुर का बासी हूँ मैं, राम किशन है नाम, सीधी साधी बोली मेरी, सीधा साधा काम। आओ दुल्हन अब इनसे मिलो जी, ये है तुम्हारी सासू माँ जी, घर में चलता इनका राज, इनका खास है एक अंदाज, घर में चलता इनका राज, इनका खास है एक अंदाज। बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही बढ़िया गीत, और वाकई ये गीत एक बिल्कुल अनोखा गीत है और बहुत दिनों बाद हमने ये गीत सुना है आज। तो चलिए कार्यक्रम में अब बढ़ जाती हैं आगे, क्योंकि बहुत सारी वॉइस चॉइस हम कोशिश कर रहे हैं पूरी करने की। अगला आपको वॉइस सुनवाते हैं, किन की आवाज़ें हमारे ये साथी हैं जो अपने पिटारे में से जो है गाना खोज खोज करके लाते हैं, तो आज कौन सा खोज कर लाए हैं ये गाना सुनवाते हैं। हेलो नीता दीदी जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और साथ ही मिस्टर ललित कुमार सर जी को भी प्यार भरा नमस्कार। आवाज़ के दुनिया के सभी मित्रों को, खास करके रेडियो धड़कन सुन रहे सभी मित्रों को दिल से प्यार भरा नमस्कार। आदापुर ग्राम औरैया पूर्वी चंपारण नेपाल बॉर्डर से मैं सुलभी हवारी बोल रहा हूँ। आज स्वर संगम में मेरा गीत रहेगा, फिल्म होगा मनमोजी 1962 का है, और गायिका होंगी लता मंगेशकर जी। गीत का बोल आवाज तो साथ नहीं दे रहा दीदी, लेकिन थोड़ा सा गुनगुनाते रहे। चंदा जा रे जा रे, चंदा जा
चंदा जार जार, काहे आया है अकेला तुझे मानू अलबेला, मेरे पिया को भी संग लिए आ, चंदा जार जार। इस चांद से लबरेज सदाबहार गीत में कुछ दोस्तों को शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले मोहम्मद असलम लाहौर पाकिस्तान से, उमा सिंह जी साथ में महेश्वरी देवी गढ़वाल उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी नजमा सिद्दीकी उत्तराखंड से, प्रकाश देश पांडे जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से, रामबदन राव भैरोगंज जी और अब्दुल गप्पार डावर खुश नसीब खंडवा एमपी से, शुक्रिया। साहब चंदा शीर्षक से बहुत सारे गाने ला रहे हैं। जी हाँ, अपने हर चॉइस में ये चांद संबंधित गीत भेजते हैं। चांद सीरीज चला रखी है इन्होंने, यानी कि बहुत ही सुंदर सीरीज चला रखी है। चांद पर तो एक इससे बढ़कर एक गाने हैं और हम इनकी पसंद का ये गीत वाकई बहुत ही सराहते हैं, बहुत ही सुंदर गीत। ओल्ड गोल्ड गाने तो यूं भी बहुत ही सुंदर होते हैं। और अब अगला जो गीत आ रहा है उसके लिए पसंद किन्होंने भेजी है, आवाज सुनिए खुद ही। रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। नीता मैडम, ललित सर, गुड इवनिंग। आज रेडियो धड़कन के माध्यम से फिल्म आंसू और मुस्कान का एक गीत किशोर कुमार की आवाज में और किशोर कुमार पर ही फिल्माया गया है सुनना चाहता हूँ। मैं बीपी गौतम, एटा रोड, गंडोंडवारा। गाने के बोल हैं गुनी जनो भक्त जनो, धन्यवाद। गुनी जनो रे भक्त जनो, गुनी जनो भक्त जनो, हरि नाम से नाता रे जोड़ो भाई, माया से मोड़ो रे, जगत नारायण की जय जय बोलो बोलो, नगद नारायण को छोड़ो रे, बोलो रे, जगत नारायण की जय जय बोलो बोलो, नगद नारायण को छोड़ो रे। Thank you.
सुनवाती हैं आपको ये वॉइस चॉइस। रेडियो धड़कन की धड़कन नीता मैम जी, ललित सर जी और रेडियो धड़कन के तमाम श्रोताओं को मेरा प्यार आदाब और सलाम। आज खूबसूरती के बारे में बात करते हैं। खूबसूरत ये शब्द भी कितना खूबसूरत है, ये शब्द आते ही आंखों में खूबसूरत नज़ारे नजर आते हैं। हम खूबसूरत दिखने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करते, क्या क्या कुछ नहीं करते। जितने खूबसूरत हम बाहर से उतने ही अगर अंदर से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इंसान को अंदर से खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन ये बात याद रखे कि खूबसूरत बनकर आप लोगों को आकर्षित तो कर सकते हैं, लेकिन खुद को साबित नहीं कर सकते। साबित करने के लिए तो अंदर से सुंदर होना पड़ेगा। शक्ल से खूबसूरत लोग दिल से भी खूबसूरत हो ऐसा जरूरी नहीं। आत्मा की सुंदरता पाने के लिए इंसान में गुणों का होना जरूरी है। हम सुंदरता की तलाश में चाहे सारी दुनिया के चक्कर लगाकर आए, पर वो हमारे अंदर नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मुझे आज एक रफ़ी साहब का गीत सुनना है, फिल्म आबरू का, और गीत के बोल ये है कि हर चेहरा यहाँ चांद है, हर जर्रा नज़ारा। मैं हूँ शब्बीर हुसैन, सब्जी मंडी बुल्ढाना। हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जर्रा सितारा, हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जर्रा सितारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। हर चेहरा यहाँ चांद, हंसती है जो कलियां तो हंसी फूल है खिलते, हंसती है जो कलियां तो हंसी फूल है खिलते। है लोग यहाँ जैसे उतर आए फरिश्ते, ओ दिल से निकलती है यहाँ प्यार की धारा, हर दिल से निकलती है यहाँ प्यार की धारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। हर चेहरा यहाँ चांद, हवा साज बजाती है सुहाने, दिन रात हवा साज बजाती है सुहाने। नदियों के लबों पर है मोहब्बत के तराने, ओ, 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 ओ। डूबा हुआ बेहोश किनारा, मस्ती में है डूबा हुआ बेहोश किनारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। और अब सुनवाती हैं आपको ये वॉइस चॉइस। आदरणीय नीता अग्रवाल जी, ललित कुमार जी और सभी श्रोताओं को हमेशा की तरह विनायक धनेश्वर नासिक महाराष्ट्र से प्यार भरा सुरीला नमस्कार। देखो, कल हमने फिल्मी सितारे कार्यक्रम के अंदर देवानंद के बीती हुए यादों में सबको खो दिया, और कल मैं शादी में आउट ऑफ स्टेशन था नासिक शहर से, तो मैं कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया था। और मेरे मन का भी एक गीत था,
वो वैसे रह गया था, मगर चलो आज स्वर संगम के माध्यम से वो ख्वाहिश भी मेरी पूरी हो रही है। तो आज मैं गैम्बलर फिल्म का एक गाना है जो किशोर कुमार साहब ने गाया है, संगीत दिया है SD बर्मन ने और गीत को लिखा है नीरज जी ने। तो गाना ये है, कैसा है मेरे दिल तू खिलाड़ी, भर के भी है तेरा प्याला खाली। कैसा है मेरे दिल तू खिलाड़ी, भर के भी है तेरा प्याला खाली। कैसा है मेरे दिल तू, आज इस गाने का इंतजार रहेगा। और देखो क्या बात है, 3 तारीख को देवानंद साहब का स्मृति दिन भी है। नमस्ते नमस्ते। भर के भी है तेरा प्याला खाली, कैसा है मेरे दिल तू खिलाड़ी, भर के भी है तेरा प्याला खाली। कैसा है मेरे दिल तू, क्या नहीं मेरे पास, क्या नहीं मेरे पास, धन भी इज्जत भी बंगला भी कार भी जाम भी शराब भी, बंगला भी कार भी जाम भी शराब भी बागो बहार भी, अरे क्या नहीं मेरे पास। नजरे नजारे भी चांद और तारे भी साकी मखाना भी सारा जमाना भी, आज मैं दुनिया खरीद सकता हूँ लेकिन कैसा है मेरे दिल तू खिलाड़ी, भर के भी है तेरा प्याला खाली। कैसा है मेरे दिल तू, जिंदगी है एक सिगार, तेरी जिंदगी है एक सिगार, तेरी जिंदगी है एक सिगार, कौन तुझे समझाए जोर से जितनी कश खींचे तू, जोर से जितनी कश खींचे तू उतनी जलती जा। ओ हो हो हो, अपने से खेल तू दुनिया से खेल तू, जिंदगी से खेल तू, किस्मत से खेल तू, तू सभी से खेल सकता है लेकिन कैसा है मेरे दिल तू खिलाड़ी, भर के भी है तेरा प्याला खाली। कैसा है मेरे दिल तू खिलाड़ी, भर के भी है तेरा प्याला। वाकई बहुत ही सुंदर गीत, ये गीत हमसे मिस हो गया था, तो चलिए आज पूरा हमने कर लिया इस गीत को सुन करके। और अब कार्यक्रम से अनुमति दीजिए अपने मित्र नीता अग्रवाल को। नमस्कार 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 नमस्कार, नमस्कार।